Assalamualaikum dear students. Now we are going to start the general mathematics paper 2 BSc 4th year. In this section we use three books. First book is calculus and analytical geometry. Second book is numerical and introduction to numerical analysis. And the third book is mathematical method. In first section, we use calculus and analytical geometry. In this section, we have three chapters, chapter number 7, chapter number 8, and chapter number 9. Chapter number 7 is analytical geometry and three dimensions. First of all, we have discussed definitions. The first definition is a scalar, a quantity which is specified by a magnitude only is called scalar. Yani, इस definition में हमें सिर्फ और सिर्फ हमें magnitude की ज़रूरत है. तो जिसमें just magnitude defined होगा वो हमारे पास क्या कहलाएगा? Scalar. उसकी एग्जांपल्स क्या हैं? डिस्टेंस, स्पीड, मास आर स्केलर क्वांटिटीज. सेकंड डेफिनेशन इज वेक्टर. वेक्टर क्या चीज़ है? एक क्वांटिटी विच इज स्पेसिफाइड. फर्स्ट वन इज मैग्नीट्यूड, सेकंड वन इज स्पेसिफाइड डायरेक्शन, थर्ड वन इज ओबे द पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन इज कॉल्ड वेक्टर. पैरेललोग्राम क्या है कि इसमें हमारे पास अपोजिट साइड्स आर इक्वल. दिस इज द डेफिनेशन ऑफ पैरेललोग्राम. सच एज ए बी सी एंड डी. सो ए बी इज इक्वल टू सी डी या ए सी इज इक्वल टू डी सी बी सी डी डी. वेक्टर, वेक्टर की दूसरी डेफिनेशन आपके पास क्या है? ए वेक्टर इज अ ट्रिपल प्रोडक्ट. वेक्टर इज अ ट्रिपल प्रोडक्ट क्या चीज है? वेक्टर इज अ ट्रिपल ऑफ नंबर्स ए वन ए टू ए थ्री सेटिस्फाइंग द फॉलोइंग एक्सियम्स. के वेक्टर के हमारे पास क्या है? फर्दर थ्री एक्सियम्स होंगे. यदि ए वन ए टू ए थ्री मॉड जो है वो इक्वल होगा बी वन बी टू बी थ्री इफ एंड ओनली इफ ए वन इज इक्वल टू बी वन, ए टू इज इक्वल टू बी टू, ए थ्री इज इक्वल टू बी थ्री. सेकेंड वन इज के अगर हम किसी भी कांस्टेंट या किसी स्केलर से, स्केलर क्या चीज है? कांस्टेंट नंबर है. यानी हम किसी भी स्केलर से अगर हम किसी वेक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा रिजल्टेंट? कि हर चीज़ इंडिविजुअल उसके साथ मल्टीप्लाई होगी. के इज़ मल्टीप्लाई बाय के वन ए वन, के इज़ मल्टीप्लाई बाय ए टू एंड के इज़ मल्टीप्लाई बाय ए थ्री वेयर के इज़ अ स्केलर नंबर. थर्ड वन के अगर हमारे पास क्या है? एडिशन है. फर्स्ट वेक्टर इज ए वन ए टू ए थ्री, सेकेंड वेक्टर इज बी वन बी टू बी थ्री, देन ए वन इज एड विद बी वन, ए टू इज एड विद बी टू एंड ए थ्री इज एड विद बी थ्री. वेक्टर जैसे कि हमारे चैप्टर का नाम है थ्री डायमेंशनल स्पेस. थ्री डायमेंशनल स्पेस का मतलब क्या है कि अगर हमने कोई एक नंबर भी लेना है, कोई एक वेक्टर भी लेंगे तो उसके फर्दर हमारे पास क्या है? हर एक के थ्री एलिमेंट्स होंगे. थ्री एलिमेंट्स मीन थ्री नंबर्स. अब थ्री नंबर्स का मतलब क्या है थ्री डायमेंशनल स्पेस के हमारे पास क्या है? तीन एक्सिस होंगे. तीन एक्सिस का मतलब क्या है कि फर्स्ट वन हमारे पास क्या है? एक्स एक्सिस. सेकंड वन आपके पास वाई एक्सिस एंड थर्ड वन इज़ जी एक्सिस.
एक्स एक्सिस के साथ हमेशा हमारे पास क्या होगा, वेक्टर आई, वाई एक्सिस के साथ आपके पास जे, एंड थर्ड वन के साथ आपके पास क्या होगा, के होगा। ठीक है, क्लियर। यानी फर्स्ट वन को फर्स्ट के साथ ऐड करेंगे, सेकंड को सेकंड के साथ, थर्ड को थर्ड के साथ। इसकी एग्जांपल्स हमारे पास क्या हैं, डिस्प्लेसमेंट है, वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है, ऑल द एग्जांपल्स ऑफ वेक्टर। ठीक है, यानी ये सारी की सारी आपके पास क्या हैं, वेक्टर की एग्जांपल्स हैं। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट डेफिनेशन क्या है, कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर। कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर क्या है कि हमारे पास अगर हमारे हम कोई भी वेक्टर सपोज कर लेते हैं, फर्ज ए वेक्टर हमने सपोज कर लिया, तो ए के एलिमेंट्स आपके पास क्या होंगे, ए बी सी, बी द वेक्टर्स ऑफ ए वन बी वन सी वन आर कॉल्ड द कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर वी। यानी अगर हम कोई भी वेक्टर वी सपोज कर रहे हैं, तो वी जो है उसको हम कैसे स्पेसिफाइड करेंगे कि वो हमारे पास इक्वल है ए बी सी, और ए बी सी वेक्टर के आगे फर्दर उसके कंपोनेंट्स क्या होंगे, कि ए के कंपोनेंट्स जो हैं वो आपके पास ए वन, बी के कंपोनेंट्स आपके पास क्या हैं बी वन, और सी के कंपोनेंट्स आपके पास क्या होंगे सी वन होंगे। इसके बाद नेक्स्ट डेफिनेशन आपके पास क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर। इसको हम मैग्नीट्यूड भी कहते हैं, इसको हम मॉड भी कहते हैं। जैसे सपोज लेट वी इज इक्वल टू एक्स वाई जेड, यह हम सपोज कोई भी नंबर हम सपोज कर सकते हैं, ए बी सी भी कर सकते हैं, एक्स वाई जेड भी कर सकते हैं, आप अपनी मर्जी का कोई भी नाम दे सकते हैं जितने भी हमारे पास अल्फाबेटिक्स हैं। बी द वेक्टर ऑफ अ मैग्नीट्यूड देन वी का मॉड, किसी भी वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें उसके नीचे एक बार लगाना पड़ेगा, ऊपर लगा लो या नीचे लगा लो, ये हमारे पास क्या है, वेक्टर की इंडिकेशन है कि ये हमारे पास क्या है, वेक्टर है। इज डिनोटेड बाय, जब हम उसका मैग्नीट्यूड लेंगे तो क्या हो जाएगा, वी मैग्नीट्यूड। इज डिफाइंड एज वी मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर इसका स्क्वायर रूट। एग्जांपल क्या है कि फर्ज अब हम कोई उसके एलिमेंट्स ले लेते हैं कि आपको क्लियर हो जाए कि वी वेक्टर हमने कंसीडर कर लिया, उसके एलिमेंट्स आपके पास ये हैं, टू है, थ्री है, फोर है, तो हम उसको किस तरह से डिफाइन करेंगे कि वी का मॉड, वी मॉड जो है वो आपके पास क्या हो जाएगा, टू का स्क्वायर प्लस थ्री का स्क्वायर प्लस फोर का स्क्वायर। अब टू का स्क्वायर इक्वल होता है फोर के, थ्री का स्क्वायर आपके पास होता है नाइन के, फोर का स्क्वायर आपके पास होता है सिक्सटीन के, इन सब को जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 29, सो दैट वी मॉड जो है उसका आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, 29 स्क्वायर रूट। नेक्स्ट डेफिनेशन आपके पास है नल वेक्टर। नल वेक्टर क्या है, ए वेक्टर वेयर द मैग्नीट्यूड इज ज़ीरो। ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड ज़ीरो होगा उस वेक्टर को हम कहेंगे कि वो हमारे पास क्या है, नल वेक्टर है। अब नल वेक्टर या उसको हम ज़ीरो वेक्टर भी कहते हैं, अब उसको नाम हम कोई भी नाम दे सकते हैं वेक्टर का, ओ दे दें, बी दे दें, सी दे दें, कोई भी नाम हम उसको दे सकते हैं। तो ओ के जो एलिमेंट्स हैं वो क्या हो जाएंगे, ज़ीरो ज़ीरो ज़ीरो। तो इसको, इस वेक्टर को हम कहेंगे कि ये हमारे पास क्या है, नल वेक्टर है। नेक्स्ट डेफिनेशन है यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर क्या है, ए वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज़ यूनिटी। यूनिटी मींस वन, इज कॉल्ड यूनिटी वेक्टर। उसको हम कैसे डिफाइन करेंगे, यू वेक्टर को, कि हम क्या कहते हैं, कोई भी नंबर हम उसको कंसीडर कर सकते हैं कि टू का कर लें, वन बाई टू का अंडर रूट कर लें, ज़ीरो कर लें, ये सारे हमारे पास क्या हैं, यूनिट वेक्टर्स हैं। जब हम उसका सम करेंगे तो वो हमारे पास क्या होगा, वन के इक्वल आए। ऐसे वेक्टर को हम क्या कहते हैं, यूनिट वेक्टर कहते हैं। नोट इसमें कर लें कि आपके पास क्या है,
आई जे के जो हैं वो हमारे पास क्या कहलाते हैं, यूनिट वेक्टर्स कहलाते हैं। आई वेक्टर क्या है, वो बिलोंग करता है किसको, एक्स एक्सिस को। वाई वेक्टर जो है वो बिलोंग करता है जे को, और जो जेड के वेक्टर है वो बिलोंग करता है जेड एक्सिस को रिस्पेक्टिवली। तो आई वेक्टर जो है उसको अगर हम वेक्टर की फॉर्म में लिखेंगे तो वो किसके इक्वल आ जाएगा, 1 0 0, यानी क्या मतलब, एक्स एक्सिस के साथ उसका जो आंसर है वो क्या होगा, 1 होगा, वाई एक्सिस के साथ 0 होगा, जेड एक्सिस के साथ 0 होगा। जो जे वेक्टर है उसमें हमारे पास क्या है, एक्स एक्सिस पे उसकी वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, वाई एक्सिस पे उसकी वैल्यू 1 होगी, जेड एक्सिस पे उसकी वैल्यू 0 होगी। जो के वेक्टर है उसमें आपके पास क्या है, एक्स एक्सिस पे उसकी वैल्यू 0 होगी, वाई एक्सिस पे उसकी वैल्यू 0 होगी, और जेड एक्सिस पे उसकी वैल्यू 1 होगी। अब आपके पास होमवर्क ये है कि आपने क्या करना है, एक वेक्टर को सपोज करना है, उस वेक्टर के एलिमेंट्स आप क्या हैं, एक्स वाई जेड रख लें बी द वेक्टर। फिर हमने प्रूफ करना है कि वी वेक्टर जो है वो आपके पास इक्वल है एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। या आप घर से ट्राई करके आइएगा, हो जाए तो ठीक है, वरना कल हम इसको डिस्कस करेंगे। ओके।